115 के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके अच्छा एक सवाल लेते हैं फटाफट, दिल्ली से गोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास सीजी पावर है 800 एट द रेट ऑफ 23। हाँ तो अब क्या करना है क्या सर? तो आप मतलब कितने गुना हो गया? 10-15 गुना। कैलकुलेट नहीं किया सर। अरे पार्टी दीजिए सर, आप कैलकुलेट क्या करना है, 15 गुना पैसा बना के बैठे हैं आप, बताइए क्या करना है, क्या मदद करूँ आपकी इसमें। सर एक्चुअली मेरे पास 800 थे, 400 तो मैंने 200 पे बुक कर लिया कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले में। तो अभी 400 बचे हैं ना आपके पास? 400 बचे हैं, वो मैंने छोड़ दिए बच्चों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, 8-10-20 साल के लिए। ओके तो भाई अभी नंबर ऑफ शेयर्स 400 कर दीजिए। सर्वेंद्र जी बहुत बढ़िया कमाई कर ली उन्होंने, 23 में खरीदा था, 305 चल रहा है और 400 बेच के प्रॉपर्टी में भी लगा लिया, अब बताओ क्या करें? नहीं जवाब तो इन्होंने खुद ही दे लिया है, आई थिंक शेयर के टोटली फ्री हो गए, बच्चों के नाम पे छोड़ दें और जब तक ये बुल मार्केट चल रहा है चलने दें, फिर कहीं आगे जब लगे कि खतरा की हाँ भाई कहीं कंपनी स्पेसिफिक कुछ अगर कोई इश्यू आए और कुछ लगे कि भाई व्यू लेना है तो दोबारा व्यू लें, बट फिलहाल तो चल रहा है मोमेंटम में चलने दें और फ्री के शेयर पड़े हैं तो पड़े रहने दें बिल्कुल। नहीं एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा गोपाल जी ने ये जो कहा ना कि जब प्रॉफिट हो थोड़ा बेच के, उन्होंने अपना जरूरी काम किया, कागज पे पैसा बनाने का क्या मतलब है। बधाई हो गोपाल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, अच्छा थैंक यू सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू सर। आप इसको होल्ड करिए बच्चों के लिए, बढ़िया। अपने एक क्विक सवाल ले लें सर, दिलप्रीत कौर जी हैं, LTI माइंडट्री क्या करना चाहिए इसमें? आई थिंक 4000 वाला शेयर है और करेक्शन मैंने वही बोला, आईटी में आईटी स्पेस में जो है करेक्शन मल्टी क्वार्टर यहाँ पे मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है, अब यहाँ से बहुत ज्यादा और ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इनकी पिटाई होगी और ये सेक्टर डेफिनेटली आउट परफॉर्मिंग लिस्ट का सेक्टर है, मतलब अगर बाजार से ज्यादा परफॉर्म करेगा गिरेगा भी कम और चलते हुए बाजार में चलेगा भी ज्यादा, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे और मुझे लगता है कि ऊपर में इमीडिएट में देखूँ तो 4400-4450 के टारगेट्स मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखते हैं और किसी के पास ट्रेड है तो बने रहना चाहिए। अच्छा दो सवाल है बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, इन्फोसिस की 1540 की कॉल फरवरी एक्सपायरी की और SBI की 600 वाली कॉल फरवरी एक्सपायरी की, निफ्टी 18200 की कॉल 2 फरवरी वाली, क्या करें? नहीं देखिए इन्फी वाले में तो खड़े रहे मेरे हिसाब से, इन्फी वाले में अगर फरवरी की कॉल है तो आई थिंक स्टॉप लॉस लगा के जहां उनको कंफर्टेबल हो वहां पे स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहे, सेम गोज फॉर SBI ऑल्सो, तो आई थिंक ये दोनों कॉलों में तो खड़े रहे हैं। और थर्ड वाला आपने कौन सा बोला सर? निफ्टी 18200 एक्सपायरी 2 फरवरी। थर्ड वाला आपने कौन सा बोला? थर्ड तीन कॉल है ना निफ्टी 18200 सर, अभी तो ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जितना 18200 के आसपास अगर प्रॉफिट बुक कर सके तो थोड़ा बुक करना चाहिए, जब तक क्लियर कट 18250-18266 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता स्पॉट में तब तक आई थिंक और पैसे नहीं बनेंगे, तो 18200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर ले। ओके तो ये राय है इन सारे स्टॉक्स और इंडेक्स पे। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए दर्शकों की हमारे, और स्टॉक मार्केट का इस समय हाल जो है निफ्टी वही रेंज में है, मिड कैप थोड़ा सा 10 पॉइंट ऊपर गया 40-45 पॉइंट ऊपर, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी नहीं है, ये सब बड़े वाले स्टॉक्स की रिजल्ट वाले स्टॉक्स की तेज़ी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक के बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।